नमस्ते जी। आशुतोष नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आशुतोष शर्मा, बूथ अध्यक्ष बागसी मंडल से, उत्तरी विधानसभा। वाह वाह वाह। जरा आशुतोष, मुझे खुशी हुई आपसे बात करने का मौका मिला, जरा अपना परिचय बता दीजिए। जी माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं आशुतोष शर्मा, मैं उत्तरी विधानसभा से हूँ, बागसी मंडल का बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा आशुतोष जी, कैसे हैं? आपके तो नाम में ही महादेव है। ए बार कितना ठंड पड़ा होगा बनारस में? प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड में 3-4 दिन से बहुत ज्यादा हो गई है। हम लोगों ने सोचा था कि अब खिचड़ी के बाद ठंड कम हो जाएगी, पर इस बार तो ठंड बढ़ गई है। देखिए ठंडक तो रहेगी और अब तो मौसम भी बदलता रहता है, लेकिन ये बताइए चुनाव की गर्मी कैसी है? चुनाव की गर्मी तो है, लेकिन एक जोड़ी सब पे भारी, मोदी जी योगी जी की जोड़ी। और जैसे ही आपका नाम आता है, गरीब हो या मध्यम वर्ग, जय जयकार करने लगता है। बनारस के लिए जितना आपने किया, उतना तो पिछले 2-2.5 साल में नहीं हुआ। कल हमको एक बुजुर्ग मिले थे जो कह रहे थे उन्होंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे सरकार देखी है, लेकिन ऐसी सरकार नहीं आई जिसने बनारस का इतना ध्यान रखा हो। हम तो मानते हैं कि हम सभी महादेव की बड़ी कृपा रही है कि आप बनारस आए और हम सबके सांसद बने। महादेव जी की कृपा रही कि मुझे बनारस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। मुझे बनारस में जन्म लेने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन जीवन का कुछ समय बनारस के साथ जुड़ने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य, और बनारस वालों ने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, वो तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। अच्छा आशुतोष जी, ये तो आप सब लोगों का स्नेह है। अच्छा ये बताइए, पहले जब भी बनारस की बात होती थी तो जाम लग जाना, ट्रैफिक की समस्या, ऐसा ही सुनते रहते थे। फिर मैं कुछ कोशिश भी कर रहा था, अब क्या स्थिति है? अब जाम की शिकायतें आती है, नहीं आती है, क्या आता है? प्रधानमंत्री जी, पहली बार काशी में इतनी अच्छी सड़कें दिखाई दे रही हैं। रिंग रोड का काम हुआ है, बहादुर वाली सड़क भी बहुत अच्छी बनी है। पहले तो काशी में जाम की वजह से हम लोग अपने घर घर से 1-2 घंटे पहले निकलते थे। 4 पहिया वाहन निकालने में भी लोग डरते थे। कोई सामान 8-10 घंटे ले जाने में घंटों का समय लगता था। आपके सांसद बनने के बाद कितने ही रेल ओवरब्रिज बने हैं, कितने ही फ्लाईओवर बने हैं, इसमें शहर के लोगों की जाम से काफी राहत मिली है। देखिए आशुतोष जी, अच्छी कनेक्टिविटी जिस भी क्षेत्र में होती है वहीं पर विकास भी पहुंचता है। बनारस को लेकर पहले दिन से मेरा प्रयास रहा है कि हाँ, वे विरासत भी मजबूत हो और विकास भी तेज गति से हो। हाँ, अब जब बनारस में इतनी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रही हैं, तो मेरा एक आग्रह आप लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं से है, तो आशुतोष जी आग्रह करूं? जी जी जी। देखिए आप कोशिश करें, लोगों से आग्रह करें कि वे शहर के भीतर अपनी गाड़ियां ठीक से पार्क करें। जी आपको पता ही होगा, गोदौलिया पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई गई है, अब तो काफी अच्छा उसको लोग उपयोग भी कर रहे हैं। जी ट्रैफिक के नियमों का जितना ज्यादा पालन होगा, उतना ही समस्या का समाधान होगा।